तैरना है कैसे वो पता है लेकिन स्टेमिना और ये जो बॉडी है ना वो एकदम वार्म अप नहीं हुआ है हमारा हे गाइस गुड मॉर्निंग दिस इज मिस्टर आरडी जे एंड आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे नए ब्लॉग में तो आज मेरे साथ है प्रदीप और अजय यहाँ पे और ओपी चला गया है शूटिंग लोकेशन पे तो हम जाके उससे वही पे मिलेंगे और यार हम जा रहे हैं अभी शूट करने अभी टाइम हुआ है सात और उसके बाद हम जाएंगे डैम जहाँ पे हमें प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब ना उस समय मैं जीत पाऊंगा तो जो मेरे पे भरोसा किए हैं जो बोले हैं कि राजा भाई जीतेंगे, उनको तय दिल से शुक्रिया और आपका भरोसा मैं नहीं टूटने दूंगा तो गाइज यहाँ पे ओपी देखिए पहले से आ गए ओ भी इतने जंगल में कोई नहीं है यहाँ पे लेकिन ओपी भाई हमारे देखो कितने हिम्मत ही हैं बीच जंगल में अकेले आके बैठे हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग है hey गाइस तो यहाँ पे शूटिंग कंप्लीट हो गया अब हम लोग जा रहे हैं डैम और वहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस करने चैलेंज जो एक्सेप्ट किया है तो देख के भी डर लगता है एक्चुअली में वो डैम को ना बहुत ज्यादा लंबा है वो जिसको हम क्रॉस करने वाले हैं तो हम लोग जा रहे हैं डैम की ओर सब लोग बैठे हैं यहाँ पे अजय भी है प्रदीप भी है और ये ओपी भी है तो चलिए चलते हैं डैम और देखते हैं वहाँ पे क्या है और तैरेंगे आज थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो गाइस फाइनली हम लोग इस जगह पे आ चुके हैं अब हम लोग जा रहे हैं यार तैरने थोड़ा तैरना है कैसे वो पता है लेकिन स्टेमिना और ये जो बॉडी है ना वो एकदम वार्म अप नहीं हुआ है हमारा तो पहला दिन है प्रैक्टिस का चैलेंज के बाद तो हम लोग जा रहे हैं तैरने Hello. तो गाइज लगभग हम लोग का? दस बजे यहाँ समथिंग आए रहे और अभी टाइम हो चुका है बारह बजे बारह बज के उससे ज़्यादा हो गया ना हाँ तो लगभग सवा बारह या साढ़े बारह हो रहा है तो आंखें तो आपको दिख रही होगी एकदम लाल हो गया कंटिन्यू दो घंटे से हम लोग तैर रहे थे तो ये तो है कि इस पत्थर से वहाँ तक हम लोग क्रॉस कर सकते हैं आज नहीं कर पाए हैं लेकिन कर लेंगे और अभी तक के रिजल्ट में अजय मेरे से ज़्यादा तैर रहा है और ज़्यादा लंबे तक जा रहा है लेकिन मुझे अपने आप को फोकस करना और अपने में लंबा करना मेरी हालत एकदम वो हो गई है जैसे चार दिन से खाना ना खाया हूँ उस टाइप से सुस्त हो गया हूँ मैं तो गाइस कल हम लोग जैसे कि बताया लगभग दो से ढाई घंटा हम लोग तालाब में तैरे मतलब दस से समथिंग साढ़े बारह बज चुके थे तो भाई साहब कल क्या है ना पाँच छः सात आठ महीने बाद तैरे हम लोग तो भाई इतना पेन हो रहा था बॉडी एकदम कल जब मैं आया घर पे रात में ये सोच लीजिए आप अभी भी हल्का हल्का पेन कर रही था ये जो पूरा बाँ है इधर बैक पे एकदम जॉइंट पे ना इतना भयानक तगड़ा पेन हो रहा था रात में मैंने झंडू बाम लगाया उसके बाद जो लाल बाम आता है ना उसको भी लगाया उसके बाद मैंने क्या किया टेबलेट लिया और उसके बाद फिर मूव लगाया तब जाके मेरे को वापस से रिलैक्स फील हुआ लगभग मैं दो बजे रात में जगह रहा और फिर से मेरे को नींद आया पाँच बजे समथिंग तो भाई मतलब इतने दिन के तैरने के बाद सॉरी इतने दिन के बाद तैरा इस वजह से और ज़्यादा ही इकट्ठा ही ज़्यादा तैर दिए इस वजह से हम लोगों को मतलब इतना पेन हुआ जाए कोई इतना नहीं हुआ क्योंकि वो घर का भी काम करता रहता है ना तो उसका बॉडी एकदम वो है टाइट है अपना बॉडी नहीं है उस टाइप से तो अपने को बहुत दिक्कत हुई कल कि हम लोग जा रहे हैं अभी फिर से सूट करने ये जो तालाब देख रहे हैं ना गाय ये पहले मतलब बहुत ज्यादा पानी यहाँ पे भरा रहता ये आज हम जहाँ पे खड़े हैं ना यहाँ पूरा पानी भरा होता था लेकिन इस साल बारिश बहुत कम हुई है जिसकी वजह से इस पे पानी भी बहुत कम है यार गांव में यही रहता है कि आप अगर कहीं भी देखते हैं ना तो हरा भरा ही दिखेगा आपको और यहाँ पे ना पॉल्यूशन भी नहीं होता एज कम्पेयर टू सिटीज बड़ी बड़ी सिटीज नाम के बड़े होते हैं लेकिन यार वहाँ पे शुद्ध हवा भी आपको सांस लेने के लिए वहाँ पे नहीं मिलेगा गाँव कहीं ना कहीं बेहतर है और ये गाँव कब तक बेहतर है ये भी नहीं पता क्योंकि धीरे धीरे इनका भी शहरी

अच्छा लगता था दबा के यार शेयर करो यार लोगों तक तो पहुंचाओ हमारा वीडियो यार होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार और हाँ चैलेंज तेईस से पच्चीस तारीख को होने वाला है तो स्टे ट्यून यार एंड लव यू ऑल गाइज बाय